प्रेमनगर तक जाना है ये मेरे एक बार को मन हुआ कि इस बाइक को दोबारा देखना है। हेलो मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत। दिस वीडियो इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, इट डजंट मीन टू हर्ट एनी एंड डोंट टेक इट सीरियसली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक छोटी सी राइड का तुम्हें व्यू देता हूँ बढ़िया करके, एकदम राइड एंजॉय करो छोटी सी। यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है। पीछे कोई भी नहीं आ रहा, आगे से एक गाड़ी आ रही है, बट हम पहले ही मोड़ लेंगे। तो अब निकलता हूँ और बढ़िया राइड एंजॉय करो, ठीक है? ओ भाई, एक नंबर भाई साहब, पावर है यार गाड़ी में। हाँ प्रेमनगर साइड तो जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? प्रेमनगर तक जाना है। ये बॉय इस साइड तो गाड़ियाँ बहुत कम मिलती है, बट चलो ठीक है मैं छोड़ दूंगा आप। ओके बैठ जाओ, बैग टांग लो पहले आराम से ना। चलूँ? आराम से बैठ गए आप? ये निंजा 1000 है, मैं अभी हाँ गया था यहाँ से ना। हाँ, तो लगा नहीं था वापस आओगे, मेरे एक बार को मन हुआ कि इस बाइक को दोबारा देखना है। तो आपको इसका साउंड अच्छा लगा? कैसा है इसका साउंड? काफी डिफरेंट है बट अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है, लगता है कि कुछ अलग से ही जा रहा है। ओहो, इम्प्रेस हो गए हो मतलब? हाँ जी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो रिश्तेदारों से बच कर रहें, चौकन्ने रहें। तो आपको, आपका घर कहाँ पे? मेरा घर तो सेलकुई है, बट मैं प्रेमनगर से चली जाऊंगी, बस वहाँ मिल जाती है शायद ना। ओके, तो मतलब मुझे आपको प्रेमनगर तो छोड़ना है, बट आपका घर सेलकुई है ना? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। बाकी कंफर्टेबल होके बैठे हो ना आप? कंफर्टेबल होके बैठे हो ना? हाँ हाँ, 40-50 ही चलेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दे सकते हैं हम। ओ गाइस, ये क्या हो गया भाई साहब, देख रहे हो? तो इतनी खुशी मुझे आज तक। लिफ्ट मांगी जा रही है तुम्हारे भाई से ना, कोई बात नहीं। रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट सकता है। यार ट्रैफिक का तो बस क्या ही कर सकते हैं, अब तो गर्मियों में ऐसा ही होता है। हाँ, क्योंकि बाहर के लोग काफी आते हैं ना यहाँ पे, इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। मैं भी एक शॉर्ट राइड के लिए निकला था वैसे ना। अच्छा, प्रेमनगर तक के लिए? चल झूठा, प्रेमनगर तक तो नहीं था, बट ऐसी था शॉर्ट राइड, सीधी सीधी रोड। अब चलो ठीक है, आपको छोड़ दूंगा मैं, कोई इशू नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जाने में? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी यार। अबे साले, तो आपको सुपर बाइक पसंद है क्या? तो एक काम करो आप, थोड़ा सा मतलब टाइट पकड़ के बैठना, ट्राई करवाता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। चलो गाइस पीछे बिठा लिया मैंने, और रिएक्शन देखना। ओ भाई क्या टाइट पकड़ा है इनने यार। कंट्रोल कंट्रोल, बस 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 बस, थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, तुम मेरा पेट टाइट कर दिया। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आत्मा कहीं नहीं, आपकी आत्मा यही है टेंशन। मतलब मैंने एक ही गियर खोला, वो भी लो मोड पे है गाड़ी अभी ना। मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ब्लॉगिंग करते हैं आप, क्या चैनल है आपका? गियर अप एंड डाउन के नाम से चैनल है। ओके, मैं आपको घर जाके सब्सक्राइब करती हूँ। घर जाके अभी करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्या हुआ? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। क्या हो गया मैडम?
अभी कहाँ पहुँचे, अभी थोड़ा सा रह गया है। चलो गाइस प्रेमनगर का थोड़ा फूफा है, चलता है। थोड़ा टाइट पकड़ना गाइस, विंडशील्ड बंद करूँ और अब देखो। थोड़ा रिएक्शन पूछता हूँ हुआ नहीं, मैं आपको जितना छोड़ूंगा आप परेशान मत हो। यहाँ पे लोग ना बिना बताए क्रॉस कर जाते हैं बहुत ज्यादा ना। हाँ, अचानक से सामने आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत दिक्कत है मुझे लगा अभी ना, क्योंकि चार पांच लोग ऐसे सामने आ गए। कैसा रहा फिर आपका आज का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस थोड़ा वाइल्ड था, बट मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना और अच्छा था, एडवेंचरस भी कह सकते हैं। अच्छा, तो आपको दोबारा ट्राई करना। अच्छा, तो आपको मतलब वाइल्ड पसंद है? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। आगे वाले बंदों को ना मैडम आपको देख के जोश आ गया। मेरी बाइक को देख के तो बाद में आएगा, पर आपको देख के ज्यादा जोश आया, एकदम भगाने लग गए हो। कह दो कि ये झूठ है। यार लोग बहुत आ जाते हैं बीच में। तभी मैं आराम से ही चल रहा हूँ, 50-60 ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि मतलब काफी लोग बीच में रोड क्रॉस करते होंगे एकदम से ना। हाँ, अगर ढंग से देखा जाए तो ना, मतलब ये सोलो राइड बहुत अच्छी है। रिएक्शन देखो बच्चों के, अब मुझे देख ले, मेरी है, मेरी मेरी आई। हेलो, अरे भाई अब तो आगे चले गया, ईद की मिठाई दे रहा आज ये। हेलो, कैसा है? आगे आना, आगे आना। अबे तो क्या हो गया, क्यों ना कर रहा है? कुछ नहीं, स्माइल दे रहा था ना वो, तो मैं बोल रहा क्या नाम है तेरा? रजत। चलो ठीक है, बाय। okay, so चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। आपका गुड नेम क्या है? रिया। चलो बिरयानी खिलाती हूँ मैं आपको, आपने मुझे राइड दी है। नहीं नहीं, बिरयानी आप खाओ, मैं थोड़ा सा अभी खाना खा के ही आया था ना घर से, थोड़ा छोटी राइड पे आया था, कोई बात नहीं, मेरा पेट फूल है, नेक्स्ट टाइम मिलते तब खाते। आप ध्यान में आना, फिर वहाँ पे खिलाऊंगा मैं आपको बिरयानी। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। क्या क्या दिखाना है, किसको दिखाना है भैया? किनको? सारा ही है वैसे तो, आप एक बार देख लो, लाइसेंस आरसी सब है। हाँ दया तुम के। अच्छा एक सेकेंड ना, सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स आरसी है और लाइसेंस है, इंश्योरेंस मेरे फ़ोन में, मैं दिखा रहा हूँ, सप्तर तक वैलिड है। रोकी तो भाई रही? अब पता नहीं, खुद ही रोक लिया उन्होंने, हम तो रुक गए। ये क्यों रोके था? है? ये रहा इंश्योरेंस ना। ठीक है, बाकी सब पेपर का इंश्योरेंस भी है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, यार यहाँ के पुलिस वाले बढ़िया है यार। ठीक है सर, उन्होंने बोल दिया जाने के लिए। हाँ, पॉल्यूशन तो था ही नहीं। ये थोड़े ना समझ है। तो गाइस फुल चेकिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, मैंने आना ही है यहाँ से। और गाइस यहाँ पे ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मतलब देखो, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, ठीक है, बट सेला कोई साइड ना पुलिस वाले मिले, ठीक है, तो हम लोग कोई हाइपर राइड भी नहीं करते। हाँ मैं मानता हूँ बीच बीच में कहीं पर मैं भगाता हूँ, बट मैं बहुत केयरफुली भगाता हूँ, बहुत देख के भगाता हूँ कि दूर दूर तक मुझे कोई दिख ना रहा हो बीच में आता हुआ, तो उसी एरिया में मैं भगाता हूँ, ठीक है। बट यहाँ के पुलिस वाले इतने ज़्यादा पोलाइट है ना यार, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आरसी चेक करी, इंश्योरेंस चेक करा और अब डीएल, बल्कि मैं आपको फैक्ट बताऊँ, उन्होंने सिर्फ आरसी और गाड़ी का वो डीएल देखा है, ठीक है,
आरसी और डीएल देखा है, इसके अलावा उन्होंने तीसरी चीज ना पॉल्यूशन मांगा ना इंचर मांगा, सब कुछ भी नहीं मांगा भाई। बल्कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको रोका क्यों गया है, आप मुझे इस बात का जवाब दो कि आपको क्यों रोका है, आपने हेलमेट पहना सब कुछ पहना, लोग ट्रिपलिंग करके आ रहे हैं, लोग विदाउट हेलमेट आ रहे हैं, ठीक है तो आपको क्यों रोका है। तो मैंने बोला सर ऐसे रैंडमली रोक दिया, और मेरी आदत है मैं कभी पुलिस वालों से भागता नहीं हूँ भाई, सपोर्ट करो आपके जो लोकल पुलिस है वो आपके लिए ही खड़ी है वहाँ पे, किसी और के लिए नहीं खड़ी है, ठीक है। तो पुलिस वालों को फुल सपोर्ट एंड शाउट आउट टू यार एवरी पुलिसमैन, ठीक है। तो गाइज अब बहुत लेट हो रहा है, और अब मैं फाइनली आपको अब देहरादून जाके मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दूर हूँ मैं, और लेट भी मुझे बहुत हो गया है, 7:30 यहीं पर हो गए, तो मिलते हैं आपको देहरादून में, चलो बाय।